जब आपको एलटी रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराना है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे और 2 क्वेश्चन सिलेबस में थे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस दिख रहे हैं हम लोग को, बाकी जितना भी सिलेबस होगा वो सब कुछ आप लोगों को कराया गया है। ये क्वेश्चन अभी रीजनिंग का है केवल, और यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 3 क्वेश्चन जरा आप लोग देखिएगा इनका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर ये मिसिंग नंबर फाइंड करना था आपने, यहाँ पर मिसिंग नंबर आप लोग को फाइंड करना था। तो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर देखो पहले देखिएगा यहाँ पर कितना था, 1728, 1441 और 280, ऐसे ही 2872, 2613 और 310। अब यहाँ पे पहली रो है, हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या रखा है देखिए जरा, यहाँ पे जो पहली रो है हमारे पास, पहली रो का सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे देखो, 1 + 7 + 2 + 8 इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपका 18 आएगा, उसके बाद 1 + 4 + 4 + 1 करोगे, इनको ऐड करोगे तो आपका 10 आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर दोनों को आपस में ऐड किया, 28 हुआ और 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना 280 आ गया, जो आपके तीसरे वाले कॉलम में निकल रहा है। पहले कॉलम का और दूसरे कॉलम का, पहली रो में जितने भी आपकी चीज़ें हैं उनको हमने आपस में क्या पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका 10 से मल्टीप्लाई किया। वैसे सेकेंड वाली रो में देखिएगा क्या था आपका, 2872 का 2 + 8 + 7 + 2 किया, इनको ऐड करने के बाद हमारा कितना आ गया 19 आ गया। ऐसे हमने 2613 को 2 + 6 + 1 + 3 किया, इनको ऐड करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, और 19 + 12 = 19 + 12 को अगर हमने ऐड किया तो कितना आ जाता है हमारे पास 31 आ जाता है, और उसका 31 × 10 करके कितना आ गया हमारे पास 310 आ गया। ऐसे तीसरे वाली रो का भी हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3932 है, 3 + 9 + 3 + 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और 2546 है, 2 + 5 + 4 + 6 करेंगे तो कितना आएगा फिर भी 17 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 3434 + 10 कितना होगा 340, जो आपका ऑप्शन 340 होगा वो आपका ऑप्शन राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम सेगमेंट रेखाखंडों की संख्या कितनी है, न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी आप लोग को यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे इस तरह का आपको फिगर दे दिया गया था, इस फिगर में आपको चेक करना है न्यूनतम कितने हमें लाइनें चाहिए, मतलब कम से कम कितनी लाइनों से हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितनी लाइनें हमें चाहिए इससे हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम रेखाखंड है, न्यूनतम सेगमेंट कितने लगेंगे हमारे पास, मिनिमम मिनिमम कितनी लाइनों की हमें जरूरत होगी उसको जरा ध्यान देगा। सबसे पहले देखो सबसे छोटी लाइन एक लाइन डी और ई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हम क्या लाइन का मतलब आपको बता पाई, दो पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी, जो नंबर जो आपस में क्या करेगा एक दूसरे को मिलाने का काम करेगा वही हमारी लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे पहले क्या है डी और ई आ गया, डी ई हो गया, दूसरा हमारे पास ए और बी, ए बी हो गया, उसके बाद ए और सी, ए सी हमारा आ गया, फिर हमारा बी सी है देखो बी और सी है, उसके बाद ई और बी है, ई और बी आ गया, उसके बाद डी और सी है, डी और सी आ गया, उसके बाद डी और जी है, डी और जी आ गया, ऐसे ए और एफ है, ए और एफ आ गया, ई और एच है, ई और एच। कम से कम हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम से कम 9 लाइनों की आवश्यकता होगी जिससे हमारा फिगर बन जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमें कितने की आवश्यकता होगी देखिएगा जरा यहाँ पे मैक्सिमम में, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा देखना पहले ए और डी, ए और डी यहाँ पे जो हमारा बिंदु आ रहा है इसको हम यहाँ पे देखिए सीधी लाइन थी लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इसको हम दो लाइनों में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा पॉइंट आ रहा है पॉइंट डी आ रहा है, तो ए और डी पहला नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है देखिएगा क्या हो गया ए और डी पहला नंबर हो गया, ऐसे डी और बी दूसरा नंबर हो जाएगा, डी और बी क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक तीसरे में ए और ई आ जाएगा, ए और ई, चौथे में ई और सी, पांचवे में बी और जी, छठे में जी और एफ, सात में एफ और एच, और आठ में एच और सी, आठों में दिखाया जा रहा है। अब नौवा कहां से बनेगा देखो जरा, एच के बाद हमने यहां पर आई लिख दिया, क्या लिख दिया आई, उसके बाद नौवा क्या बन जाएगा हमारे पास ए और आई, दसवा क्या बन जाएगा हमारे पास डी और आई, ग्यारह क्या बन जाएगा हमारे पास आई और ई, ये तीन लाइन हमारे पास के और बाकी देखो एक क्या बन गया ए और आई, डी आई और ई आई, उसके बाद एक यहाँ पर बीच में हम एक नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई के बाद जे लिख दिया हमने, जे के बाद यहाँ पर के लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर एल लिख दिया। अब देखिएगा जरा उसके बाद हमारे पास बन जाएगा डी और के, उसके बाद बन जाएगा के और एल, उसके बाद बन जाएगा एल और सी,
फिर ऐसे ही सॉरी लाइन पे बी और जे, जे और के, के और ई। अब कितने काउंट हो गए देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह ही काउंट हो गए। उसके बाद क्या बनेगा देखो, डी और जे, आई और के, ई और एल, जे और जी, के और एफ, एल और एच। अब देखो यहां पे कितने हो गए, यहां पे 17 आते 18 19 20 21 22 23 और आपके ऑप्शन में जो 9 और 23 वाला ऑप्शन होगा वो आपका आंसर राइट है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया था एबीसी की वर्तमान आयु का जो समय योग है 90 है और 10 वर्ष पहले कहा था, बिफोर 10 ईयर 10 वर्ष पहले कहा था उनका रेशियो देगा 1:2:3। तो सी की जो करंट एज है वो बतानी थी हमें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 गिवन है और 10 वर्ष से पहले क्या है इनका, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो 90 माइनस 3 का रखा है, 90 में से 30 गया कितना आ गया 60, ये 30 माइनस 2 के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो 10 वर्ष से पहले कह रहा है तो ए की आयु में से भी आप 10 कम करोगे, बी की आयु में से भी 10 कम करोगे और सी की आयु में से भी 10 कम करोगे, तीनों की आयु में से 10-10 कम करोगे तो टोटल कितना कम कर दोगे 30, तो 90 में से 30 गया कितना बच गया मेरे पास 60। 10 वर्ष से पहले ए और बी और सी का अनुपात हो गया 1:2:3, तो ए का कितना क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू एक्स हो जाएगी, बी की वैल्यू 2x हो जाएगी और सी की वैल्यू 3x हो जाएगी, एक्स प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 60 हो जाएगा, 6x की वैल्यू 60 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, और 10 वर्ष से पहले सी की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3x था तो 3×10 हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 30+10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न का चयन कीजिए, भिन्न मतलब है अलग संख्या, जो एक आपको एक सीरीज दे रखी है 10, 22, 234, 456 और 898, इसमें से आपको अलग चयन करना है कि इनमें से इन पांचों में से कौन सा आपका अलग है। तो यहाँ पर हमने चेक किया देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का क्या रोल रहता है पता नहीं, लेकिन मैं अपना आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसका क्या आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। 10 को हमने क्या किया 1+0 किया तो 1 आ गया, 22 को मैंने 2+2 किया तो 4 आ गया, 234 को मैंने 2+3+4 किया तो 9 आ गया, और उसके बाद 456 को 4+5+6 किया 15 आ गया, और 898 को 8+9+8 किया 25 आ गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 15 का कुछ भी नहीं होता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको जो 456 ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब इन तीनों इन ऑप्शन में ये 456 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 आए, यहाँ पर 4 आ रही है लेकिन 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ही ऑप्शन में जो आपका 456 ऑप्शन होगा वो गलत अलग हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, अन्य तीन विकल्पों में से भिन्न चुनिए, मतलब आपको ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है, चारों में से तीन सिमिलर है, एक चौथा अलग है, वो कौन सा अलग है ध्यान दीजिएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 441 से 4 जाएगा कितना आएगा 437 आएगा, देखो 21 और 437 का रेशियो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 21 का स्क्वायर 441 से 4 गया 437 आ गया, ऐसे 33 का स्क्वायर होता है 1089, इसमें से 4 गया फिर 1085 आया जो आपको यहाँ पर दे रखा है, ऐसे ही तीसरा ऑप्शन था 11 का स्क्वायर 121 में से 4 गया 117 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका 118 है तो ये नहीं मिल रहा है, 35 का स्क्वायर 1235 होता है, इसमें 4 गया 1221 आ गया और ऑप्शन में 1221 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों की प्रोसेस सेम चल रही है, एक आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें 11 और 118 वाला ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक सीरीज दे रखी है 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, 9,801, उसके बाद क्वेश्चन मांग है इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा आपको ये बताना था, तो इसका कैसे निकालना जरा ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर 10,000 है, 10,000 का 10% निकाला 1,000 हुआ और 10,000 में 1,000 जोड़ा तो मेरे पास अगला नंबर क्या आ गया 11,000, ये वाला नंबर मेरे पास आया क्या किया 10,000 का 10% निकाला उसमें प्लस किया तो 11,000 आ गया, ऐसे ही अगला क्या किया 11,000 का 10% निकाला 1100 होता है, उस 11,000 में से मैंने 1100 माइनस किया तो क्या हो गया मेरे पास 9,900 हो गया,
तो इसका मतलब तीसरा नंबर क्या है, पहले नंबर में 10% प्लस करना है, दूसरे नंबर का 10% माइनस किया, फिर तीसरे नंबर का 10% प्लस करोगे तो 10,890 आ जाएगा, और 10,890 का 10% निकालने के बाद माइनस करोगे तो 9,810 आ जाएगा। फिर 9,810 का मैंने क्या निकाला, 10% निकाला, 980.1 आया, और 9,801 में 980.1 जोड़ा तो 10,781 आ गया। कहने का मतलब है पहले नंबर का 10% निकालो उसको ऐड कर दो, दूसरे नंबर का 10% निकालो उसे माइनस कर दो, तीसरे का 10% निकालो उसे ऐड कर दो, चौथे का 10% निकालो माइनस कर दो, पांचवे का 10% निकालो तो ऐड कर दो, तो आपका अगला नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन में आपका 10,781.1 होगा वो आपका आंसर राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रखा, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखना, क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे त्रिभुजों की नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करने हैं, ऐसे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं किंतु त्रिभुज की केवल एक भुजा ही अष्टभुज के साथ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही बार बनाती है। कैसे, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके पास अष्टभुज है, इसमें से एक उभयनिष्ठ रेखा मैंने कौन सी ले ली, ए और बी ले ली, एक ए और बी ले ली, इस ए और बी रेखा से कितने त्रिभुज बनने जरा ध्यान देना, और कहाँ बनने चाहिए कह रहा हूँ हमारे पास, उसके शीर्ष पर बनने चाहिए। देखो ए और बी उभयनिष्ठ रेखा ली, इसका एक शीर्ष देखो यहाँ पर क्या आया मेरे पास, जी आया, एक ही रेखा लेनी है, ए जी और बी, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा इसमें ए जी और बी, फिर इसी ए बी उभयनिष्ठ रेखा से ए एफ और बी बनेगा, ए एफ और बी, फिर तीसरा बनेगा ए ई और बी, तीसरा ए ई और बी, और चौथा ए डी और बी, ए डी और बी, ये चार ट्रायंगल बनेंगे आपके। अगर एक रेखा से, एक उभयनिष्ठ लाइन से ए और बी से चार अगर ट्रायंगल बनते हैं तो ऐसे ही आपके पास कितने उभयनिष्ठ लाइन है जरा देखिएगा, पहली ए और बी होगी, दूसरी बी और सी, तीसरी सी और डी, चौथी डी और ई, पांचवी ई और एफ, छठी एफ और जी, सातवीं जी और एच, आठवीं एच और ए, टोटल कितनी लाइन आ रही है, आठ लाइन आ रही है, एक लाइन में चार ट्रायंगल बन रहे तो आठ में चार तो कितना आ जाएगा आंसर 32। ये आपका सातवें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पांच व्यक्तियों की आयु का अनुपात, ये रेशियो आपको गिवन है 0.5:1:1.5:2:2.5। इससे आगे क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जरा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, 2.5 है, यदि इनकी एज, इनकी आयु के घनों का योग, जो इनका सम दे रखा है, आपको सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है इन पांचों का, 28125, ये इनका सम दे रखा है आपको, योग दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है सबसे यंगेस्ट, सबसे कनिष्ठ व्यक्ति की आयु, कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु आपको पूछी है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसका रेशियो अलग कर दिया आपका, देखो 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, क्या कर दिया मैंने इसका रेशियो छोटा कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। काफी लोगों की समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे हो गया, मैंने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 टेबल में आता है, देखो हमारे पास ये सब 5 टेबल में आते हैं, दूसरा मैंने 10 कर दिया, तीसरा 15 कर दिया, चौथा 20 कर दिया, और फिर 25 कर दिया। अगर इनमें पॉइंट लगाओगे तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा, और इसका अनुपात निकाला मैंने, इनको कट कर दिया तो 1:2:3:4:5। उसके बाद इस रेशियो को मैंने न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, पहला नंबर x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x, पांचवा 5x। उसके बाद बोल रखा है इनके घनों का सम, इनके क्यूब का योग या सम हम कहेंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा x क्यूब, दूसरा 2x क्यूब, तीसरा 3x क्यूब, चौथा 4x क्यूब, पांचवा 5x क्यूब, इक्वल टू 28,125 हो जाएगा। एक्स क्यूब 8, और 2 का क्यूब 8 होता है 8x क्यूब, 3 का 27x क्यूब, 4 का 64x क्यूब, 5 का 125x क्यूब, बराबर 28,125 हो गया। इन सबको ऐड किया तो 225x क्यूब बराबर 28,125, और x क्यूब बराबर आ गया मेरे पास 125। इसको कट कर लीजिएगा, 225 से 28,125 को कट करोगे तो एक कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 125 किसका क्यूब रूट होता है, 125 होता है आपका 5 का क्यूब, x की वैल्यू 5 आ गई, और सबसे छोटा मेरे पास जो कनिष्ठ जो यंगेस्ट था वो x था, तो सबसे छोटे की उम्र कितना आ जाएगी, 5, जो ऑप्शन में आपका 5 होगा वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन ये आपका सर्किल वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना था, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये बताना था आपको, कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता ये आपको बताना था। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन था एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा पेपर में, पी क्यू आर एस ए और बी को सममित रूप से एक गोलाकार मेज की व्यवस्था में बैठना था, इस तरह से एक मेज में बैठना था उनको, और कह रहा है पी और एस एक दूसरे के व्यास का सम्मुख बैठे, मतलब एक दूसरे क्या है अपोजिट है, पी के अपोजिट एस है और एस के अपोजिट कौन है पी बैठे कह रहा है, और जबकि क्यू और बी एक दूसरे के निकट नहीं बैठना चाहते, मतलब पास नहीं बैठना चाहते हैं, अगर क्यू यहाँ बैठा दूंगा तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, अगर बी यहाँ बैठा दूंगा तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब दोनों अपोजिट हो सकते हैं, टाइम के लिए ध्यान देना है पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन एक दूसरे के नियरेस्ट नहीं होंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगल बगल नहीं होंगे लेकिन अपोजिट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है लेकिन इसके बारे में उसने कंफर्म कर रखा है एक दूसरे के नियरेस्ट नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, ए व आर एक दूसरे के व्यास का सम्मुख बैठते हैं, मतलब ए और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाँ हो सकते हैं, ए यहाँ पर बैठ सकता है और आर यहाँ पर बैठ सकता है आपका, ए यहाँ पर बैठ सकता है और आर यहाँ पर बैठ सकता है आपका, तो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक दूसरे के सम्मुख बैठ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी और एस के मध्य आर बैठेगा, बी और एस के मध्य कह रहा है आर बैठेगा, हाँ बैठ सकता है, अगर ए यहाँ पर नहीं ए यहाँ पर बैठेगा और आर यहाँ पर बैठेगा तो बी और एस के बीच में आर बैठ सकता है। तीसरा, दोनों क्यू और बी, दोनों क्यू और बी पी के एक तरफ बैठ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्यू और बी एक दूसरे के एक साइड नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या रखा है क्यू और बी एक दूसरे के नियरेस्ट नहीं होंगे, अगर नियरेस्ट नहीं होंगे, अगर क्यू यहाँ बैठा लोगे तो बी नहीं बैठ सकता है, अगर बी यहाँ बैठा लोगे तो क्यू नहीं बैठ सकता है, तो एक दूसरे के क्या ये पी के आपके एक साइड को नहीं बैठ सकते, दोनों अपोजिट साइड को, एक राइट बैठेगा तो दूसरा कहाँ बैठेगा लेफ्ट बैठेगा, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चौथा, एस क्यू और बी के बीच बैठा है, एस किसके क्यू और बी के बीच बैठा है, हो सकता है मैं देखूं ये बी है ये क्यू है और ऐसे यहाँ पर बैठ गया देखो बीच में, ये बीच में बैठने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देखिएगा, जरा क्वेश्चन नंबर 10 ब्लड रिलेशन का है, क्वेश्चन में कह रहा है आपने यदि ए प्लस बी, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी ए बी का पति है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी का भाई है, तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, इसमें जो ये वाला ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है ये वाला ए माइनस बी इंटू सी, ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये तीन के तीन बन सकते हैं लेकिन ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिएगा जरा ए माइनस बी, ऊपर आपको डायरेक्शन दे रखा है ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो इसका मतलब ए किसका पति हो जाएगा बी का, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दे ए बी का पति हो गया, अगर ए बी का पति होगा तो बी ने क्या होना है इसने तो पत्नी होना है ना, ये कंफर्म है, अगर ये पति होगा तो इसको पत्नी होना ही होना है, ये कंफर्म है। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी का मतलब कह रहा था ये आपसे ए बी का भाई है, मतलब बी मल्टीप्लाई सी का मतलब होगा बी सी का क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन में कह रहा है बी सी का भाई है लेकिन बी निकल के आ रही है यहाँ पर पत्नी निकल रही है, ये मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तीन बनेंगे चौथा नहीं बनेगा। ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसको एक बार आप लोग रिचेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है जिसमें स्क्वायर वाला फॉर्म बता रहा था 10-22 वाले में, उसको जरा एक बार चेक करना उसका एग्जामिनर आंसर क्या देता है, मेरे हिसाब से आंसर उसका 4-5-6 ही होगा, उसके अलावा सबके मैंने आपको आंसर यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन सही बता दिए हैं, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मैसेज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।